गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे इज फ्राइडे एंड डेट इज 18 दिसंबर 2020। स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू कंप्लीट अवर ग्रामर वर्क, इंग्लिश ग्रामर क्लास 2। स्टूडेंट्स, ओपन योर इंग्लिश ग्रामर बुक्स, ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 43, लेसन नंबर 16, कंजंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, मेंशन द डेट 18 दिसंबर 2020 एंड डे फ्राइडे ऑन द टॉप ऑफ द पेज नंबर 43। आज हमारे पास टॉपिक है कंजक्शंस, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजक्शंस। कंजक्शंस आर द वर्ड्स विच हेल्प इन जॉइनिंग टू सेंटेंसेस। बुक के कॉर्नर में, टॉप के कॉर्नर में आपको इसकी डेफिनेशन मिलेगी। कंजक्शंस वो वर्ड होते हैं जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने में काम देते हैं। मेन कंजक्शंस वर्ड्स आर एंड बट। एंड और बट को हम यूज करके दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करते हैं। कंजक्शन से आपको खुद ही मीनिंग वाजह हो रहा है। कंजक्शन ज्वाइनिंग, जंक्शन ज्वाइन करने के लिए। कंजक्शन को समझने के लिए मैंने टू सेंटेंसेस यहाँ राइट किए हैं। आई नीड सम एप्पल्स, आई नीड सम ऑरेंजेस। अब ये दो एक जैसे सेंटेंसेस हैं, लेकिन इनको हम ज्वाइन करेंगे ताकि हमारे पास एक सेंटेंस आ जाए। जैसे कि आई नीड सम एप्पल एंड ऑरेंजेस। वर्ड एंड जो है यहाँ पर कंजक्शन, उसने ज्वाइनिंग का काम दिया है, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किया। सेकंड एग्जांपल देखें, अ क्रो इज ब्लैक, अ डक इज व्हाइट। ये दो मुख्तलिफ सेंटेंसेस हैं, दो ऑपोजिट हैं। तो जब ऑपोजिट सेंटेंसेस हमारे पास आएंगे तो उनको ज्वाइन करने के लिए हम वर्ड बट का इस्तेमाल करते हैं। अ क्रो इज ब्लैक बट डक इज व्हाइट। फ्रेंड, दिस इज योर इंग्लिश ग्रामर बुक। Open your book. Open your book at page number 43. Mention the date, classwork plus homework and Friday on the top of the page. Lesson number 16, conjunction. And this is the definition of conjunction. Conjunction help in joining sentences or words. Conjunctions are words which help us to join sentences or words. Look at this practice exercise. Complete this. Students, look at this exercise. Exercise number 8. Choose the correct conjunction from the ones given in the bracket. आपको sentences दिए गए हैं और दरमियान में bracket में two conjunction words हैं। आपने right correct word को tick mark करना है। My brother and but. उन्होंने दो words दिए हुए हैं, and but. I have the same color bag. My brother and I have the same color bag. Number second sentence. My uncle. ब्रैकेट में एंड और है। आंट आर अराइविंग टुमारो। दो वर्ड्स हैं ब्रैकेट में एंड और। आपने एंड को टिक मार्क करना है। माय अंकल एंड आंट आर अराइविंग टुमारो। नंबर थर्ड, अ स्क्विरल इज स्मॉल, ब्रैकेट आ गया एंड, बट अ मंकी इज बिग। यहाँ पे दो ऑपोजिट वर्ड्स हैं, दो ऑपोजिट सेंटेंसेस हैं। अ स्क्विरल इज स्मॉल, बट को आपने टिक करना है, but a monkey is big. Number 4, I like playing in the garden, bracket aa gaya, but and my sister likes to read story books. Yahan pe bhi do opposite sentences hain. I like playing in the garden, mujhe garden mein khelna pasand hai, but my sister likes to read story books, lekin meri sister ko kahani padhna pasand hai. Aur but pe aapne tick mark karna hai. Now students, complete this work on your books and learn it.